दोस्तों इसी को रिले कहते हैं जो हमारा स्टार्टिंग ट्रेवल था, तो ये सब बाहर नहीं मिलेगा, ऐसे एजेंसी में ही मिलेगा। नहीं ले रहा दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए सब कुछ खुल चुका है और अभी ये चेक हो रहा है कितना टाइम लगेगा। बोल नहीं सकती, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। और भैया एक और चीज बोल पूछना था कि आप लोग इसमें एसी लगाते हैं? एसी हम लोग नहीं लगाते हैं, कूलर लगा कूलर। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा, एसी नहीं लग पाएगा। अगर लगाना होगा तो फिर अलग से पूरा सेटअप करके लगाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग जमशेदपुर में ही हैं और एजेंसी में काम कराना था आयसर का, तो हम लोग रुक गए थे वहाँ पे। तो हम लोग आ चुके हैं सुबह और हमारा गाड़ी भी एंट्री हो चुका है, देख सकते हैं मेरा गाड़ी अंदर लगा हुआ है। तो देखिए और सभी काम जब चल रहा है यहाँ पे, तो सारा काम मेरा काम हो जाएगा जल्दी, क्योंकि जिसका हम मिस्त्री से पूछे थे बोला हाँ अवेलेबल यहाँ पे माल वगैरह है, जो जो लगता है उसमें सामान वगैरह तो है, तो बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं मेरा काम हो जाए तो हम भी यहाँ से निकलेंगे सफर के लिए। दोस्तों इसी को रिले कहते हैं जो हमारा स्टार्टिंग ट्रेवल था, तो ये सब बाहर नहीं मिलेगा, ऐसे एजेंसी में ही मिलेगा ये सब। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें मिल गया हमको, तो फिर कई बार तो मंगाना पड़ता है, लोग अलग अलग जगह एजेंसी रहता है तो वहाँ से फिर मंगाना पड़ता है। तो अवेलेबल था यहाँ पर, मिल गया। और हम जो रांची लोग बताए थे ये सामान मेरा आने वाला है तो वो भी यहाँ से लगा के जाएंगे। देखिए मिस्त्री लगे हुए अभी चेंज करने के लिए, तो लगा के फिर स्टार्ट करते गाड़ी को। दोस्तों अभी जा रहे हैं बैटरी कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि वो लगाने के बाद कई बार ऐसा गलती से स्टार्ट ना हो जाए, इसके लिए बैटरी कनेक्शन अभी खुलवा दे रहे अभी। दोस्तों अभी ये देखिए खराब वाला खुल गया है, अब नया वाला लगने वाला है। दोस्तों अभी रिले भी आ गया है और मिस्त्री फिट कर रहा है, तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ये सब तो काम है कि जो बीमारी मिल जाने के बाद टाइम नहीं लगता है, अब बीमारी नहीं मिलता तो उसको ढूंढने में समय ज़्यादा लग जाता है। मारे नहीं ले रहा, उसको बढ़िया करो। तो ये तो लोड है तो फिट तो होगा नहीं? नहीं नहीं, हेल्पर ब्रैकेट लेकिन गलत लग रहा है, जो छोटा दिख रहा है क्या? हाँ, इसका लंबाई तो मैचिंग करवा लीजिए, पता चले कि ये चार छेद क्या है, दो ये छेद आएगा, चार हैं। हाँ चार है, चार ये है, दो ये छेद, चार ही है, चार छेद है। दोस्तों अभी दोपहर का 12 बज गया है और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए सब लैपटॉप वगैरह सब रखा हुआ है, उसी हिसाब से चेक हो रहा है। मिस्त्री लोग भी खोज रहे हैं, वो एक एक लाइन चेक करते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा कि कहाँ फोल्ड है। तो ये सब चीज़ यही बीमारी मिल जाता है, कैसा नहीं कि कोई क्लिप ढीला कुछ ऐसा बात नहीं है। मशीन चेक होता है तो हम लोग भी तसल्ली हो जाता है, और मशीन जो लगाए थे रिले तो उससे बीमारी नहीं मिला, हमको लग रहा है मेरा जो रिले था वो सही है, तभी वो बीमारी लाइन चेक किया जा रहा था। देखिए अभी लाइन मिस्त्री लोग लगा हुआ है, कर रहा सब, अभी देखते हैं कब तक हो जाएगा। दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए सब कुछ खुल चुका है और अभी ये चेक हो रहा है कितना टाइम लग जाएगा भैया? अभी कुछ बोल नहीं सकते, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। मतलब अभी बीमारी कुछ पता नहीं चला? नहीं, बीमारी अभी पता नहीं चला। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगता है, और पूरा चेकिंग तो चल रहा है, इधर भी चेक कर लिए और बाकी नीचे का भी वो सब कुछ खुल गया है, इसको खोल के रखे हुए हैं। इधर नीचे घुस के भी देखिए यहाँ पे ये सब भी चेक कर रहे थे, ये वाला चीज। दोस्तों अभी बोनेट को भी उठाना पड़ गया है, ये देखिए पूरा उठा दिए, अब यहाँ से पूरा चेक होगा। वायरिंग बोल रहे कि वायरिंग कहीं पे खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो हम लोगों को तो लग रहा है यहीं से कुछ है, तो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक पूरा सब कुछ चेक होगा। तो देखिए इसमें और ज्यादा टाइम जाने वाला है। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी तो काम बंद हो गया क्योंकि लंच टाइम हो गया है, और अभी तक कुछ भी पता नहीं चला क्या खराबी है। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ दिए है चेक करने के लिए, कहाँ दिए? वो हेड ऑफिस गया हुआ है, यहाँ से क्या क्या रहता है लोग का लैपटॉप में, तब वहाँ से बताएंगे कि ये करना है, तब उसी हिसाब से तार वगैरह सब लगा हुआ है। और हमारे उस्ताद भी आए मिलने के लिए, ये भी ड्राइवर साहब टाटा से ही है। दोस्तों तो भाई मिलने में आया था। चलिए बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों को सुबह देखे वीडियो, तो हम पता चले इनके बगल में ही घर है, डिमना में है ना? डिमना पार्टी चौक में। हाँ, पार्टी चौक में जी। तो आए मिलने के लिए, चलिए बहुत अच्छा लगा। इतना धूप है तो आदमी निकलने का मन नहीं करता है, सबसे बड़ी कैमरा काम हो जाए यही मेरे लिए बहुत है। आपका वीडियो देखा, हम आपसे मिलने में आए थे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब लंच हो गया, मिस्त्री तो कोई है नहीं, अभी लंच के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों अभी यहाँ पे ठंडा पानी मिला है तो आ गए भरने के लिए, ये देखिए हम ऐसे करके भर ले रहे पूरा इसमें। तो इसमें क्या कि करीब 24 घंटे के आसपास पानी ठंडा रखता है। इसमें ऐसा सिस्टम था ना कि चाबी देंगे तब बताएगा, तो उसको ऐसे ही कर दो ना, उसको चाबी जैसे लगेगा ना, उसको ऐसे ही कर दो कि चाबी जैसे लगेगा, मालूम चल जाएगा। तार कुछ इधर छेड़छाड़ हुआ था, तो उसको जो जो किया गया मिस्त्री छेड़छाड़ उनके बता दे रहे हैं, तो अपने सुधार हो शायद बीमारी मिल जाए।
दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुका है, तभी तक काम हुआ नहीं, तो सड़क के आधार पर काम हो रहा है। ये लगा के देखा जाएगा ये दोनों रिले वगैरह है बड़ा बड़ा क्या है, इसको दोनों को लगा करके चालू गाड़ी का खोल करके लाया गया है, इसको चेक करना है। अगर इससे अगर सक्सेस हो जाता है तो समझ में आएगा कि मेरा उसी में बीमारी है। देखते लगा कि इसको अभी मिस्त्री भी आ रहे हैं तो इसको कस के देखा। अगर मालूम चला ये वाला है तो इसका मतलब ये पूरा इतना नया चीज लगाना पड़ेगा इसको खोल के। भाग अलग अलग करेगा, तेरा अलग अलग करेगा एक भाग, तो इसको लगाएगा पहले फिर उसको लगाएगा, दोनों साथ में लगाएगा, उसका एक देखेगा। अब दोनों एक साथ का सेटिंग होगा तो फिर दोनों ही लगाना पड़ जाएगा। दोस्तों अपना गाड़ी का भी देखिए यहाँ पे खोल के रखा हुआ है दोनों, ये भी और ये भी, और ये नया लाया है। दोस्तों अभी मिस्त्री जी आ चुके हैं और ये देखिए कनेक्शन वाला स्टार्ट हो गया दोनों का, अभी लगा के देख रहे हैं। और भैया एक और चीज पूछना था कि आप लोग इस पे एसी लगाते हैं? एसी हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोग डीलर में एसी का काम नहीं होता। मतलब मिलता कहाँ है एसी? आपको मिल जाएगा बाहर, जो कार का काम करता है उन लोगों के पास एसी का सामान रहता है। मतलब कंपनी के तौर पे नहीं लगता है ना एसी? नहीं, कूलर लगा कूलर। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा, एसी नहीं लग पाएगा, अगर लगाना होगा तो फिर अलग से पूरा सेटअप करके लगाना पड़ेगा, तो अलग से एकदम लंबा वाला लगता है, वो देखे हम वीडियो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और दूर लगाएंगे तो ऐसा कुछ देखे ही नहीं है, तब पता नहीं एसी तो नहीं लग पाएगा, जब गाड़ी आएगा एसी वाला तभी हो सकता है, तो अभी बस एक कूलर लगा लेंगे हम लोग। दोस्तों अभी फाइनली पता चल गया कि हमारे गाड़ी में क्या खराबी था, तो वो जो मशीन लेके आए थे भैया उसमें से वो जो ब्लैक वाला था छोटा वाला, देखिए वही खराब हुआ है ना भैया? यस। तो अभी गाड़ी चालू करके भी हम लोग देखे तो स्टार्ट हो गया, तो उसका प्राइस बता दीजिए कितना है? इसका दाम है 22,000 रुपया। 22,000 रुपया, और वो इसका दाम दोस्तों 22,000 है, और वो जो पुराना वो था बड़ा वाला से कितना था उसका? 53,000। 53,000। तो अभी ये इसका अभी तो ये दूसरे गाड़ी का लगा हुआ है, अभी नया वाला फिर आने वाला है, अब उस पर उतना खर्चा होगा, अभी पूरा तो टोटल अमाउंट पता नहीं चला है, अभी वो ऐड करके देखिए अभी हमारा इस ट्रिप में मतलब कितना खर्चा हो गया ये वाला लेकर। तो चलिए भैया इसको अब नया लगाइएगा ना? यस। दोस्तों अभी पापा को नहीं मालूम है कि कितना का बिल बना है, तो पापा पे थोड़ा सा प्रैंक करते हैं और ज़्यादा बढ़ा के बोलेंगे। वो देखिए पापा बाहर गए हुए थे, अभी आ रहे हैं वापस, तो उनको अभी बोलते 75,000 का बिल हो गया है, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। पूरा एकदम डेंजर वाला बिल बना है, पूरा डेंजर 75,000 का बिल बना है। हाँ तो देखिए जो मशीन ख़राब हुआ था ना, वो एक और बड़ा वाला मशीन ख़राब है, तो पूरा 75,000 का बोल रहे दाम है, तो हम बोले लगाने के लिए। हाँ ऐसे कैसे लगाने तुम बोल देगा, देखे जाके ठोक पीट करते हैं तो ठोक के उसको बना दीजिएगा। बोला 75,000 का बिल बनेगा। चलो देखते हैं ना, अभी हम बाहर चले गए, सुबह से खाए नहीं थे, नाश्ता लाने चले गए थे इसके लिए करके, देखते इसीलिए हम बैठे रहते हैं सामने में। तो आप रहते तो नहीं बनता 75,000 का? सामने रहता ना, हम देखते ना क्या क्या बन रहा है, क्या करी का क्या चेंज कर रहा है, ऐसे देखते ना। तो चलिए दोस्तों अभी देखते पापा कितना कम करवा देंगे बिल ना। क्या करवा दे, पहले स्टार्ट हुआ गाड़ी? हाँ स्टार्ट हुआ, वहीं से हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन वही जो मशीन है बड़ा वाला पूरा चेंज हुआ है, अंदर से तो और मशीन बताया वही चेंज हुआ। चलो देखते हैं। इसका नीचे कुछ बताया मशीन है कहाँ गया मिस्त्री, देखे तो पूछते हैं उससे मशीन लाने के लिए। दोस्तों अभी देखिए पापा बात कर रहे हैं मिस्त्री से, हम इधर चले गए थे। कितना बिल बोल रहा है? नया गाड़ी रहे तो आदमी क्या है ना कि गारंटी मिला था, अलग बात है, गारंटी खत्म हो गया, अब जो भी सामान लेगा थोड़ा महंगा महंगा तो है, थोड़ी दिक्कत हो जा रहा है। बिल बताया कि नहीं बताया है? देखते पहले हमने तो दो कितना बोला, अभी कैसे बोलते हैं हमके तो बोला। दोस्तों अभी पापा को भैया वो बिल नहीं बताया कितना हुआ है, बस बोले कि मशीन लगा है नया वही चेंज हुआ है, तो पापा को अभी भी लग रहा है कि 75,000 का बिल ही बनेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा कबाड़ी में भी देख लीजिए, सेकंड हैंड में अगर मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी जा रहे दोस्तों नाश्ता करते हैं, देखिए अभी लेके आए पापा नाश्ता, इसमें समोसा है, समोसा और चटनी। दोस्तों हमारा जो खराब हुआ है वो देखिए यही है, इसके अंदर पूरा मिट्टी जम गया है जिसकी वजह से पूरा खराब हो गया, और ये बन भी नहीं पाएगा अभी, अब इसके जगह नया ही लगेगा। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुका है और मेरा गाड़ी कंप्लीट हो गया अभी, तो ये देखिए यहाँ सुपरवाइजर सब है भी है, मेरे गाड़ी लिए रुके हुए आप लोग उसका छुट्टी हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि काम करा के ही छोड़ते हैं आप लोग, जिसका काम होने लायक है वो करके छोड़ते हैं, और जिसका नहीं होने लायक है तो बात अलग है। तो चलिए आप लोग बहुत सपोर्ट रहा, मेरा काम हो गया, और एक सामान हमको और घटा हुआ है, तो सामान आने वाला यहीं पर मेरा, तो फिर आएंगे हम गुवाहाटी से आते हैं फिर लगाएंगे, मिस्त्री जी भी साथ, इनका छुट्टी हुई बैग भी लेकर तैयार है, लेकिन ट्रायल में जाना पड़ेगा ना।
ट्रायल में जाने से पूरा विश्वास हो जाता अच्छी तरह से कि रास्ता में ड्राइवर को दिक्कत नहीं होगा। और हमारे ये तो सब्सक्राइब भाई है, तो पहले भी देखे आप लोग, ये तो पहले भी आया टाटा मिलने के लिए, तो फिर अभी तो खैर लेट हो गया, अभी निकलने वाले हैं, जा रहे ट्रायल में जा रहे, मिस्त्री को छुट्टी में जाना है। चलिए ठीक है, आते ट्रायल, ठीक है आप ट्रायल करके आइए, फिर जैसा होगा फीडबैक देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग ट्रायल में जाने वाले हैं, अब निकाल रहे गाड़ी लेकर यहाँ से सीधा, करीब कितना 5 किलोमीटर का, हाँ 4-5 किलोमीटर ट्रायल करते हैं, ये रास्ता में देखा ना। दोस्तों अभी ट्रायल करके आ गए हैं, सब कुछ ओके है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग करने में हल्का सा कैसे ले रहा है, राउंड ले रहा है तो बोला कि धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, तो पहले भी बहुत सा बीमारी था आपके, खिंचाई में फर्क पड़ जाएगा, खिंचाई में फर्क पड़ेगा तो एवरेज में फर्क पड़ जाएगा, अब चला के देखेंगे घाट उठ तब मालूम चलता, बेलेन रोड में तो मालूम नहीं चलता है, तो अभी तो हमारा बिल लग गया है, कितने का बिल लगा, अभी हमारा बिल हो गया है 22,600 कुछ का बिल बना है, 22,600 कुछ का बिल बना है, मुझे मशीन का दाम जुड़ा है, एक सामान और कम है, वो पैसा पेमेंट करवा दिए हैं, तो बोले कि आप आइए उधर से, तो ऑर्डर सब मंगवा दे रहे हैं, तो आप यहाँ से लगा लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, चलिए ठीक है, तो जितना भी जो काम मेरा चल रहा था वो भी जोड़ा हुआ, सारा पैसा जोड़ा हुआ, हमको जो लगेगा वो तो पैसा नहीं जोड़ उसको लगेगा, इसी में सब हो जाएगा मेरा, अब चलते हैं, हमको तो जाना है पुरलिया होकर के, पुरलिया होते हुए बोकारो निकलेंगे, बोकारो से अपना जामताड़ा होते हुए, तो अब देखते हैं आगे जाकर के, हमारा कंपनी गाड़ी सब चलता है यहाँ से, बताता है कि इधर से कोयला गाड़ी सब बहुत चलता है रात में, तो चलते हैं पहले आगे, सुबह से कुछ खाए हुए नहीं है, थोड़ा पहले होटल में खाना पीना करते हैं। स्टार्टिंग देखिए होने लगा यहाँ पर से, बोलो ना हम लोग बीमारी हम लोग खोजते हैं यहाँ, हमको यहाँ हो जाता था, बीमारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और मिस्त्री कहना सही था, बोलता है कई बार जैसे कि आप लोग चल रहे वेल्डिंग करा लेते हैं बिना बैटरी तार खोले, तो हम तो भाई बोले ऐसा तो गलती कभी किए नहीं है, फिर बोले कहीं बिजली तार सटा था क्या, तो बिजली तार वगैरह सटा था एक दो जगह, उस समय पीला प्लास्टिक मारा हुआ नहीं था, फटा हुआ प्लास्टिक था, बोलता है कई बार बिजली का तार भी सटेगा ना, ये सब सेंसर वाली चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो इस समय भी फर्क पड़ जाता है। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो अभी देखिए एक होटल दिख रहा है वहाँ पे, और हम लोग अभी गाड़ी यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो आगे टोल टैक्स है वहाँ जाके रुकेंगे, यहाँ पे खाना खा के निकल लेते हैं। खाने में बता रहा हूँ दोस्तों, हमारा खाना देखिए आ चुका है, अभी सुबह से तो हम लोग का दिन में खाना हुआ नहीं, पानी वगैरह ठंडा वगैरह यही सब, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके वही सब थे, तो अभी गर्मी में ऐसे भी खाना वाना हम लोग को अच्छा नहीं लगता, दोपहर का पानी वगैरह ठंडा यही से पी लिया जाता है, अभी रात में ही खाना खा रहे हम लोग, देखिए मैं दाल आया है और ये मिक्स वेजिटेबल है, दोस्तों खाना तो अपना हो गया, और अभी यहाँ से जाने वाले यहाँ से कम 20 किलोमीटर आ गया टोल टैक्स से, तो वहीं पे सोएंगे, क्योंकि बहुत सा गाड़ी वहाँ पर लगा सोता है, और हम भी पहले भी सोए हैं, बढ़िया जगह वहाँ, पुरलिया रोड में क्या है ना कि थोड़ा रात में उधर कुछ गाड़ी ज़्यादा चलता है लोकल गाड़ी सब, तो डस्ट वस्ट का रहता है कोयला वोला का, तो वहाँ कई फाटक वगैरह भी है, जाम लग जाता है, रोड भी थोड़ा सा खराब है, कहीं ख़राब है कहीं अच्छा है, तो ये हमारा ड्राइवर लोग से बातचीत होता है, तो बोलता है कि जो हम तो यार जब भी जाते तो सुबह सुबह जाते फाँका फाँका मिलता है, तो उसके लिए हम वहीं पर सोने वाले, फिर वहाँ सुबह निकलेंगे अपना पुरलिया होते हुए, फिर निकलेंगे धनबाद के लिए। दोस्तों अभी सुबह का 7 बज चुका है और हम आप पुरलिया पार कर गए, तो पुरलिया पार कर लिए, थोड़ा ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप में खड़े हैं, यहीं पे तेल वगैरह ले लिए थोड़ा, तो बंगाल में थोड़ा कम पड़ता है, तो झारखंड से बंगाल में कम पड़ता है, तो उसके लेकर ले लिए यहीं पे, अब हम लोग यहाँ से बोकारो जाने वाले हैं, बोकारो होते हुए धनबाद होते हुए, और जामताड़ा में हम रुकेंगे, अपना अगले बार तो रुक नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी था, तो इस बार जा रहे हैं आराम से, रुकते हैं इस बार जामताड़ा में, फिर वहाँ से निकलेंगे, तो ठीक दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा आगे का सफर इसको, तो इस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।